अद्य गुरुवास रहा अथवा बृहस्पतिवास रहा। ज्येष्ठ शुद्ध षष्ठी गुरुपुरुषामृत योगा भाव प्रकाश निघंटु शुंठी आर्द्रकम् शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालांभोदोज्ज्वलांगं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं। पंचवीस में दोनों सार तेवीस। ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं तदनूद्यतः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षम् ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। अद्य शोफे गुणनागरम तक्रानुपानेन सेवयेत् तेन अग्निदीप्तिर्भवति गौरव अरोचक आनाः अतिसाराश्च नश्यन्ति। तर्हि वर्धमानं गुडार्थकम् अथवा गुणनागरं शोफे विशेषतः प्रशस्तम् अग्निदीप्त्या गौरव अरोचकानाः अतिसाराणां प्रशमः भवति। आर्द्रकं वा तुलगुणं पलार्धेन प्रतिदिनं वर्धयेत् यावद् एकस्मिन् दिने फलपञ्चप्रमाणं स्यात् क्रमवृद्ध्या गुणार्धकसेवनं कर्तव्यं पुनरपि रास्तेद् अर्धफलं यावत्। तर्हि अर्धफलात् आरभ्य पञ्चफलं यावत् कर्तव्यं पुनः अर्धफलं यावत् अवतरणं कार्यम्। एवं मासपर्यन्तम् एषः प्रयोगः कर्तव्यः। एषः प्रयोगः गुल्मोदराश श्वेतु प्रमेहान् जयति। नानल् महोदयैः कृतः अयं प्रयोगः बहुषु रुग्णेषु, मया केषुचित् कृतः किन्तु न तावत्या मात्रया यथा यत्र निर्देशः अस्ति। भवतु तो आधा तोले से लेकर पांच पल, आधा तोला नहीं आधा पल, तो दो तोले से लेकर 20 तोले तक ये बढ़ाना है इस प्रकार का बताया है और फिर से घटाना है। तो ये शोथ और किडनी फेल्यूर में भी अच्छा काम करता है लेकिन समय देखकर करना चाहिए। वर्षा ऋतु में शीत ऋतु में कर सकते हैं। कफोद्भवे स्वरभेदे शुण्ठिचूर्णं गोमूत्रेण पायेत् तथा च नागरचूर्णं तैलमधुप्लुटं लीयात्। तो गोमूत्र के साथ दे सकते हैं या फिर तैल मधु के साथ नागर चूर्ण शुंठी का चूर्ण दे सकते हैं। तमक शाल श्वास तुल्यम प्रबल शुंठी में बक्षे। तो तमक श्वास में भी ये भी मैंने प्रयोग किया है सगुण शुंठी इस प्रकार की, उसका भी फायदा होता है। नस्यन चापित अत्यत उसका नस्य भी दे सकते हैं। तेन श्वासा प्रशमयति। वातजे कासे
मस्तना स शर्करां शुंठिं पिबेत्। तुम आचल बातें से कांस में मस्तु के साथ स शर्करा शुंठी का पान करे अथवा पुराण पुराण गुण तैलाभ्याम शुंठी ले है तेना शुवाते कासा शमयति। शमयति के बजाय प्रशमति एक ज्यादा बेहतर रूप होगा यहाँ। सहा क्षमयति ठीक रहेगा लेकिन तेना वातजा का सहा प्रशमति ये ज्यादा बेहतर है। शुंठी चूर्ण मधुना सह ले तत् कफ कफ का सह रोग होती। तो इसको भी कफ का सह हरम भवती होना चाहिए था। तो शुंठी चूर्ण मधु के साथ लेना है। कफ का सह रोग होता है। शुंठी सिद्धम गृतम पार्श्व शूल रुद्र रुजा गुल्मचिच्छ भवती। पार्श्वशूल रुद्रजा और गुल्म इनमें शुंठी सिद्ध घृत वातजे रुद्रोगे तृषि सत्याम शुद्ध्या साधितम जलम पिबे। थोड़े अलग अलग आए हैं। वातजे रुद्रोग में शुंठी सिद्ध जल पीना है प्यास होती है तो तज्जलम वातजे रुद्रोगम जय। कफोद्वये रुद्रोगे शुंठी काथा प्रशस्ता स रसगतम कफम आमम च पचति तेन हृदय शुद्धो रसः उपैति। आमवात कफोद्भवाः रुद्रोगाश्चाशु शमम यान। तो आमवात और कफोद्भव इस प्रकार के जो रुद्रोग है उनका तत्काल शमन इस प्रकार का होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रुद्रोग दिखाई देता है। और जैसे मैंने कहा कि रूमेटिक फीवर में भी इस प्रकार से वॉल्वुलर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मैंने उदाहरण बताया था उसके बारे में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि आमवात या रूमेटिक फीवर इस प्रकार के कंडीशन है तो हृदय पर ध्यान दे, नियमित रूप से ऑस्कल्टेशन करते रहे और अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो फिर 2D एकोकार्डियोग्राफी करवा ले इस प्रकार से। आमाशय दौर्बल्यात अग्निर्मंदताम याति आद्यमान्यात आमाशय समुद्भवा श्वास का सहिका रुद्रोगादयश्च जायन्ते तेषु च शुंठि प्रशस्ता। तो आमाशय उद्भव इस प्रकार के अगर विकार है तो शुंठि प्रशस्त है। शुंठि कोष्ठत्वं वातं शमयति तेन आत्मना शूलश्च आशु शमयाता। तो आत्मना और शूल ये दोनों तुरंत उसका शमन हो जाता है। तो शुंठी और गुड़ एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसके जरिए आमजन्य पीड़ा आमाशय समुत्थ इस प्रकार के रोग इसमें काफी अच्छा परिणाम निकलता है। तो शुंठी और अदरक का यहीं पे समाप्त हुआ। अगला द्रव्य जो है वह पिप्पली है। पिप्पली मागधी कृष्णा वैदेही चपलाखणा उपकुल्यो क्षणा शौंडी कोला तीक्ष्ण तंडुला। तो काफी पर्याय से पिपली का प्रयोग होता रहता है। तो कृष्णा वैदेही कणा पिपली मागधी ये काफी प्रचलन में है। तो मगध देश में होने वाली ये शायद मागधी से कुछ जुड़ा है। वैदेही नाम क्यों आया है मालूम नहीं। कृष्णा तो वर्ण से होती है। कणा ये कण जैसे उसमें होते हैं इसके जरिए। और चपला ये ज्यादा प्रचलन में नहीं है लेकिन देखा जा सकता है। तीक्ष्ण तंडुला ये भी अगर उसको हम चबाते हैं तो स्पष्ट रूप से तीक्ष्णत्व उसका प्रतीत होता है। पिप्पली दीपनी वृक्षा स्वादु पाका रसायन। तो ये दीपन है वृक्ष है मधुर विपाक और रसायनी तो कटु रसात्मक है किंतु मधुर विपाक है इसलिए वृष्य है और उष्णवीर्य है और रसायन है। अनुष्णा कटुका स्निग्धा वातश्लेष्म हरी लघु। कटु रस की अनुष्ण इस प्रकार की उष्ण नहीं अनुष्ण बताई गई है स्निग्ध और वातकफहर इस प्रकार की है। पिप्पली रेचनी हंति श्वासकासो दरद ज्वरान कुष्ठ प्रमेह गुल्माश क्लीह शूलाम मारुता।
रेचन करने वाली ये तो कभी देखा नहीं गया, पिपल का उतनी मात्रा में प्रयोग शायद नहीं किया गया। श्वास, कास, उदर और ज्वर, खास करके श्वास में वर्धमान पिप्पली प्रयोग मैं करता आया हूँ। वैसे कैंसर में भी वर्धमान पिप्पली प्रयोग करता आ रहा हूँ। तो 3 से 30, 6 से 60, 10 से 100, यहाँ तक पिप्पली का प्रयोग हो सकता है रसायन विधि से। नतामत्य पेयजित रसायन विधि बिना, ये निर्देश है यहाँ पे। तो रसायन विधि को छोड़कर उसका ज्यादा प्रयोग नहीं करना है प्रकार। और 64 पिपरी, 64 प्रहर खली हुई इस प्रकार की पिपली, ये भी एक अच्छा प्रयोग इस प्रकार का है। कुष्ठ प्रमेह गुलमार शाह प्लीह शूलाम मारुता, कुष्ठ प्रमेह गुल्म अर्ष प्लीह शूल आम और मारुता इस प्रकार से, या आम वात इस प्रकार। आर्द्रा कफ प्रदा स्निग्धा शीतला मधुरा गुरु, या आर्द्रा और शुष्क में काफी अंतर है। तो आर्द्र जो है वो मधुर गुरु स्निग्ध और कफक्रत इस प्रकार के है। पित्त प्रशमन धातु शुष्का पित्त प्रकोपन और पित्त का प्रशमन करने वाली, लेकिन सूख जाने के बाद वो पित्त प्रकोप करने वाली इस प्रकार के है। पिप्पली मधु संयुक्ता मेदक कफ विनाशिनी, मध से संयुक्त होने पर मेदा और कफ इनका विनाश करने वाली इस प्रकार के है। श्वास का से ज्वरहरा वृष्या मेध्याग्नि वर्धिनी, तो श्वास का ज्वर इनका हरण करने वाली वृष्य मेध्या और अग्निवर्धिनी इस प्रकार की है। तो मेदक कफ विनाशिनी को देखना चाहिए मध के साथ पिप्पली का इस प्रकार का प्रयोग करके। जीर्ण ज्वरोग्नि मांद्ये च शस्य से, जीर्ण ज्वरे चाहिए तो गुड़ पिप्पली, कासा जीर्णा रुचि श्वास हृत्पांडु कृमि रोगन। जीर्ण ज्वर अग्निमांड्य, इसमें गुड़ पिप्पली प्रशस्त है। 64 प्रहर पिप्पली, केवल पिपली का 64 प्रहर खल करते हैं केवल मर्दन इस प्रकार से, तो उसकी गुणवत्ता बहुत बढ़ जाती है। और ये मिलती भी है लेकिन खुद बनाना ज्यादा अच्छा है इस प्रकार से, ताकि हमें विश्वास है कि 64 प्रहर वस्तुतः खल हुआ है इस प्रकार से। तो ये उसका वीर्य बढ़ जाता है इस प्रकार से। श्वास श्वास निरुक्ति खा लिया है। ये किसके साथ मधु मधु संयुक्ता से अलग से लिखा है, इसलिए शायद श्वास श्वास की निरुक्ति इसमें हो गई। लेकिन वृष्य है, मेध्य है, अग्निवर्धिनी है, और अग्निमांड्य में मैंने काफी प्रयोग पिपली का किया है, खास करके कैंसर मरीजों में इस प्रकार से। प्लीहा में पिपली अग्र संग्रह है, तो प्लीहा और यकृत एक समान है, तो यकृत के पेशेंट मिलते हैं एचसीसी हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा के, उसमें कामला भी होती है, आगे उधर भी हो जाता है, दांतों तक अवस्था हो जाती है वगैरह वगैरह। तो उस सभी में वर्धमान पिपली अच्छे काम करती है। स्वामी तो गोसाई सरी गोसाई मोहि सा कल करता ना, तो पिपली चूर्ण गया था ना, कोई भावना नहीं है, कोई भी भावना नहीं देनी है, केवल पिपली चूर्ण लेना है और उसको 64 प्रहर खल करना है, इतना ही है। तो वीर्यवत्ता उसकी जो है बहुत बढ़ जाती है और फिर अच्छे तरीके से काम करती। तो जीर्ण ज्वर अग्निमांड्य, इसमें गुड़ पिप्पली प्रशस्त है। कास अजीर्ण अरुचि श्वास हृत्पांडु कुमिरोगनुद, तो ये कास अजीर्ण अरुचि श्वास हृत रोग पांडु रोग कृमि रोग इनमें सभी में प्रशस्त है। द्विगुणा पिप्पली चूर्णात गुणोत्तर विशेषाम, और पिप्पली से दुगुना गुड़ इसमें लेना है इस वैद्यों के मत से मत के अनुसार। तो गुड़ का पाक पड़ते हैं और फिर पिप्पली डाल के उसकी गोलियां बनाते हैं। तो ये थोड़ा
आसान और अच्छा तरीका इस प्रकार का है। और केवल इस प्रकार से पिपली और गुड़ कॉम्बिनेशन, पिपली और मधु, ये कॉम्बिनेशन अच्छा इस प्रकार का काम करता है। मैंने श्वास में वर्धमान पिपली यूज की, लेकिन उसमें हिमोप्टिसिस होने लगी तो स्टॉप करना पड़ा। अगर सीजन अच्छा नहीं है, ग्रीष्म ऋतु है या शरद ऋतु है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और बाकी भी अगर हेतु है उसके बारे में, रक्तपित्त के, तो ये बात हो सकती है। तो देख के समझ के ही करना है, ये बात सही रहेगी। पिपली क्वाथाची भावना देऊन 64 पिपल का ही वैद्य वापरता करता पॉसिबल है। भावना देने से गुणवर्धन होता है और टिकने में भी ज्यादा मदद होगी शायद। इस प्रकार को पिपली की भावना ही देनी है, तो षोडशांश कज्जली कज्जली भी डाले उसमें। पिपली के 16 16 भाग कज्जली डाले और फिर पिपल की भावना दे दे, तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो वीर्य टचा रहेगा, तो उसमें का काल मर्या कितनी होगी, कब हीन वीर्य निर्वीर्य होगी। मैंने तो ज्यादा प्रयोग नहीं किया है इस प्रकार का, लेकिन चूर्णता चूर्ण का कालावधि 6 महीने तक बताया जाता है, तो बेहतर है 6 महीने में खत्म करें या उतनी ही बनाए। अगर उसमें ये डालते हैं, कज्जली डालते हैं षोडशांश, तो ये बनी रहेगी, तो ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और फिर ज्यादा दिन तक हम उसका प्रयोग कर सकेंगे। तो त्रिकट का भी अभी देख लेते हैं और फिर वो फड़के शास्त्र के किताब में ढूंढना पड़ेगा। पिपली और त्रिकट के दोनों विश्वोपकुल्या मरिचन त्रयन त्रिकट तो विश्वा उपकुल्या यानी कि पिपली और मरिच, ये तीन त्रिकट कहे जाते हैं। कट त्रिकंत तो त्रिकट त्रिषण व्योष उच्चते, और त्रिकटु व्योषण त्रिषण व्योष ये काफी प्रचलन में इस प्रकार के पर्याय है। त्रिषण दीपनम हंति श्वास का अस गला स्वगामया गुल्म मेह कवत सौल्य मेद दीपद पीनता। तो इसमें शुंठी और पिपली दोनों कटुरस मधुर विपाक रसायन शीत वीर्य वगैरह वगैरह इस प्रकार से, सॉरी मधुर विपाक शुक्रवल इस प्रकार के है। मरीच कफग्न ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है, तो ये तीनों अग्नि पर तो काम करते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और एक कैटेलिटिक एक्शन त्रिकट की देखी जाती है। सीएसआईआर ने एक सर्वे किया था और सभी औषधों में उन्हें त्रिकटू पाई, तो उसकी खोज करते रहे कि त्रिकट क्यों डाल रहे हैं। तो हमारे हिसाब में तो अग्निवर्धन है, पाचन दीपन है, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये कैटेलिटिक एक्शन है, इसलिए सभी में इस प्रकार के त्रिकट का प्रयोग होता है। तो कफ स्थौल्य मेद श्लीपद पीनसान, अब श्लीपद में तो देखा नहीं गया, पीनस में तो योषादि चूर्ण करके है, अच्छा इस प्रकार का काम करता है। तो इसमें कर सकते हैं पित्त विकार में दीपन कैसे करें। ऐसा है मुस्ता वगैरह जो द्रव्य है वो अग्नि दीपन है, कुशीर भी इस प्रकार का अग्नि दीपन है। तो हमें शीत वीर्य होकर भी अग्नि दीपन करने वाले द्रव्य चाहिए, तो शायद ये बात बनती है। नहीं तो सुवर्ण सुचक्र वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग हो सकता है। तो ये भाव प्रकाश में देखते हैं इसमें भगवत शेष।
मैं ले रहा है पिप्पली रसायनी, ठीक है पिप्पली आ गई। पिप्पली मागती कृष्णा वैदेही चपला कणा उष्णा उपकुल्या तीक्ष्ण तंडुलाच्य। मूषक परिषद रसवा लेंडी पिंपळी इति च ख्याता। तो लेंडी पिंपळी इस प्रकार से छोटी पिपली है जो है, द्वितीय तो दीर्घा चबिकाया फलन गजब पिपली इति च ख्यातम। और ये चबिका का फल है गजब पिपली जो है वो। पिपल्या फलानी मूलानी कांडानी औषध क्रिया से उपयुक्तानी भवन्ति। पिपली जीर्णा में औषध क्रियाशु प्रशस्त। तो जीर्ण पिपली का ही प्रयोग प्रशस्त इस प्रकार का है। पिपली चूर्णम पंचकुंचा प्रमाणम चौद्रम। तो पिपली चूर्ण पांच कुंचा की मात्रा में चौद्र के साथ अर्धकर्ष प्रमाण पिपली क्वाथ घृतक चौद्र चौद्र घृतक शर्करायुत। पिपली घृतम कर्ष प्रमाणम पिपल्यावलेहा कर्ष प्रमाण पिपल्यासव कर्ष प्रमाण तुल्य जल संयुक्त चतुष्टि याम पर्यंतम। खलवे पिपली कलकम मर्दय साच तीव्रा तीक्ष्णा अल्प मात्रया बहु कार्य करी सर्व रोग हराच भवति। यामः नाम त्रयो हो रहा इति और तीन घंटा इस प्रकार का। तो प्रहर का भी मतलब तीन घंटा इस प्रकार का होगा। एक बार पोस्ट में जाके देखे। पिपली दीपनी वृक्षा साधुपाकार रसायने अनुष्णश्च कटुं कटुश्च। अनुष्णा कटुका स्निग्धा मातश्लेष्म हरि लघु पिपली रेचन हंती वही श्लोक है। तो अभी 3 आवर्स 2.5 आवर्स। पिपली कटुका तस्याः विपाको मधुरः वीर्यम् उष्णञ्च मधुरपाकित्वात्। वीर्य ऊपर तो अनुष्ण इस प्रकार का लिखा गया है। प्रहर 45 मिनट का तो नहीं होगा, 3 घंटे हो गए। अगर याम उसका पर्याय है तो 3 घंटे ही है। 1 मिनट मधुरपाकित्वात् स्निग्धत्वात् उष्णत्वाच्च सा वातं शमयति कटुष्णत्वात् कफं हन्ति पित्तं च प्रकोपये। पिप्पली रसादि धातून् वर्धयति कटुद्रव्यं प्रायः अवृष्यं पिप्पली च तस्याः अपवादः। तो कटुरस प्रायः अवृष्य होता है लेकिन पिपली अपवाद है, ये वृष्य है। सातु वृषा रसायने च सा कटुत्वात् रसादि धात्वनिं वर्धयति तथा च धातून् पोषयति। तो कटुरस होने के कारण स्रोतो विबंध दूर करती है। तो रसादि धातुओं का पोषण होता है, रसादि धात्वनिं को वर्धन करती है।
पिपली विशेषण रसम रक्तम शुक्रम च वर्धयति तथा च तन्यम रजन रजश्च पोषयति। तो रस रक्त और शुक्र इनका पोषण करती है और रज और स्तन्य इनका भी पोषण करती है। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि उसके आधार पर हम कुछ चिकित्सा कर सकते। पिपली स्निग्धत्वात् मलान क्लेदयति क्लिन्दत्वात् मलानाम् उत्सर्जनम् सुखेन करोति तत्र पिपल मधुरपाकित्वात् चरा भवति। सूर्योदय से सूर्यास्त समय के समय को चार से भाग देने पर एक दिन का एक प्रहर इस प्रकार का हमें मिल जाएगा। लेकिन ये तुल्यन रात्रिन दिवे ऐसी स्थिति है तो ये बताते हैं तो रात और दिन दोनों 12-12 घंटे के है तो चार से भागाकार करेंगे तो 3 घंटे यही इस प्रकार का रहेगा। तो इस निग्ध से मलों का क्लेदन करती है और मलों का उच्चर्जन सुख से होता है और मधुर पाकी होने के कारण सरा इस प्रकार की है। तो विरेचनी बताई गई है लेकिन विरेचन के लिए पिपली का प्रचलन उतना नहीं है। वातक बचो है पिपली प्रशस्त पिपली मूलक वाता वातज्वरम हमती कटुष्णत्व पित्तज्वर पिपली नहीं वो प्रशस्त कठोर उष्ण होने के कारण पित्तज ज्वर में पित्तपली का कभी प्रयोग नहीं करे। रसादि धातु वर्धकत्व पित्तली जीर्ण ज्वर उपयुक्त और रसादि धातुओं का पोषण करने से पिपली जीर्ण ज्वरों में प्रशस्त इस प्रकार है। खास करके पुराने जमाने में जब ये मलेरिया का काफी प्रचलन था तो इसमें भी लिहा वृद्धि होती थी और लिहा में ये पिपली या अग्र संग्रह है। तो बहुत सारे वैद्यों ने वर्धमान पिपली का अच्छी तरीके से प्रयोग जीर्ण ज्वर में इस प्रकार से किया है और अच्छी सफलता उसमें पाई है। जीर्ण ज्वर है तो पिपली साधित घृतम प्रशस्तम वैसे जीर्ण ज्वर में घृत की प्रशस्ति है तो पिपली साधित घृत देना उचित इस प्रकार का है। तत्व ज्वरम विषमाग्निम अरुचिम अस अंशय और तापम कासम श्वासम पार्श्व आशुनी तो दिखने में लक्षण ये राजयक्ष्मा के लक्षण देते इस प्रकार के है। वैसे जीर्ण ज्वर और त्रिरूप राजयक्ष्मा इसमें अंतर करना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। व्याधि विनिश्चय ये जो इनकी किताब रही मोयलेले ताई राजवाड़े और आठवले इनकी इसमें उन्होंने उपशय अनुपशय के उदाहरण में जीर्ण ज्वर और त्रिरूप राजयक्ष्मा ये उदाहरण दिया है और आशंका होती है कि राजयक्ष्मा होगा लेकिन उनका कहना है पहले जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करें महासुदर्शन चूर्ण खास करके दे दे उससे शांति अगर हो जाती है तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। अगर शांति नहीं होती है तो फिर राजयक्ष्मा की चिकित्सा करें। मैं थर्ड ईयर में था और ऐसा ही मुझे जीर्ण ज्वर का पेशेंट मिला। एक महीने से बुखार था और वो एलोपैथी लेने के लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल भी तो संयोग से मुझे चिकित्सा करने का अवसर मिला तो मैंने पहले उसके बारे में सोचा कि ये राजयक्ष्मा है तो मैंने सोमण अनिवचन वगैरह दिया था लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने ये महासुदर्शन चूर्ण दे दिया तो उससे फायदा हो गया वो ठीक हो गए। बाद में मैंने ये व्याधि विनिश्चय किताब में देखा कि ये उल्टा प्रयोग उन्होंने पहले ही दिया है कि पहले जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करें और फिर बाद में अगर उपशम नहीं होता है तो राजयक्ष्मा की चिकित्सा इस प्रकार से करें। तो पिपली श्रुतं क्षीरम जीर्ण ज्वर उपयुक्तम भवति तो वर्धमान पिपली इसमें भी दे सकते हैं। कासे पिपली कंठस्थस्य कफस्य स्निग्धोष्णत्वात् विलयनम छेदन क्लेदनम च करो तो कंठस्थ कफ जो है वो स्निग्ध उष्ण होने के कारण उसका विलयन ये करती है। तथा च कंठस्थ प्राणस्य प्रशमनं करोति पश्चात कंठाय बलं ददाति यच्छित कंठस्थ प्राण का शमन करती है और कंठ को बल भी देती है। तस्मात वातजे कासे कफजे कासे क्षयजे कासे च पिपली उपयुक्ता भवति
वैसे त्रिजटादि गुटिका ये इसमें काफी प्रचलन में है, एलादि गुटिका इस प्रकार से। पिप्पली पुराण गुण तैलाभ्याम वाताचे कासे ले है, तो पुराण गुण तैल के साथ पिप्पली वाताचे कास में लेहन करे, ये थोड़ा सा देखना चाहिए। वाताचे कास के काफी मरीज होते हैं और काफी मुश्किल होते हैं उनको ट्रीट करना, महीनों महीनों तक ये वाताचे कास चलता रहता है। जनरली स्नेहन स्वेदन करने से रिलीफ मिलता है, चाहे पत्र पुटलित अमावस्या हो, निरामावस्या हो, तो पिंड स्वेद ये सब करते रहते हैं। पित्तजे में भी दे सकते हैं एलादी गुटी, प्रशस्त नहीं है वैसे लेकिन दे सकते हैं, उसमें हानि नहीं होती है इस प्रकार से। वृषा, ये जो त्रिजटादि गुटिका जो बताई गई है वो पहला गुणधर्म उसका वृष्य इस प्रकार का बताया गया है। तो वाजीकरण के हिसाब से भी ये अच्छी इस प्रकार की है। तो वाताचे कास में पुराण गुण तैलाभ्याम पिप्पली ये जो बताया गया है वो शायद हम प्रयोग करें। अब एक वाग्भटोक्त कास में योग आया है वो हम कातहर योग से नाम से देते हैं, उसमें गुड़ और तेल इस प्रकार के अनुपान है और सीता है, तो इससे काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। अथवा पिप्पली कलकम घृतभृष्टम सैंधव युक्तम पिबे, तो घृतभ्रष्ट करके सैंधव डाल के पिप्पली का कल्क पिप्पली एलाजी गुटी मिळेल करता आकृत देव करायला। पिप्पली चरण सक्षोदरं कफश कासम हंति, पिप्पली मदकं द्राक्ष घृत क्षोदर यतो लेहा क्षयज कासम हंति। तो ये अम्ल पित्त में भी आया है और अच्छा काम करता है। नानल सर के ट्रेडिशन में पिपली काफी इस प्रकार से देते थे। एक तो वो धात्री रसायन देते थे, केवल आमलकी का इस प्रकार का अवलेह बना के देते थे, और पिपली भी काफी लोगों को देते थे। तो ये करके देखना चाहिए। सितोपलादि चूर्णम क्षयज कासम हंति पिपली युक्तत्वात्, तो सितोपलादि चूर्ण कपो क्षयज कास में अच्छा है। वैसे सितोपलादि चूर्ण का अधिकार राजयक्ष्मा है, तो जहां भी क्षयात्मक संप्राप्ति है वहां सभी सितोपलादि चूर्ण अच्छा काम करता है, ये केवल अम्लजम कासम आदौ स्वे स्नेहे रूपाचरित वृक्षस्य अम्लजम कासम आदौ स्नेहे रूपाचरित निरुपस्थितत्वात् प्राप्त निरुपस्थितत्व प्राप्त वाला स्नेह पांडवासना तो करते हुए भी करते। तो ये तो सही है कि स्नेहपान की अपेक्षा जहाँ पे है वहां स्नेहपान करवाना उचित इस प्रकार का है, और फिर निरुपस्थंभित होने पर बाद स्नेहपान आसनाधिकृत दे सकते हैं। तो अग्नि को देखना है अमावस्या है या नहीं ये देखना है, और फिर इन सभी का प्रयोग करना है।
पिप्पल चूर्णम समधुघृतम श्वासम हंति, पिप्पल जाद्य वले हा घृतक शौद्र युत श्वासम जयति। तो घृत मधु युक्त इस प्रकार का पिप्पली चूर्ण श्वास में और घृतक शौद्र अवलेह भी उसका इस प्रकार से श्वास में अच्छा काम करता है। धातूनाम आहार रसेन सम्यक पोषणम भवति तथैव शोषे पिप्पली युत अजमांस रस प्रशस्त। तो अजमांस रस पिप्पली डालकर आगे देते हैं तो शोष में अच्छा काम करता है। तेन पीनस्य श्वास काकादय शाम्यन्ति। तो ये सभी राजा यक्ष्मा के उपद्रव है, तो ये भी एक दिन का शमन इससे होता है। पिप्पल्याद्यरिष्ट अक्षय उपयुक्त हो। वैसे पिप्पल्याद्यरिष्ट मिलता भी है, पिप्पल्यासव भी मिलता है। मेरे ख्याल में पिप्पल्यासव मैंने देखा है, पिप्पल्याद्यरिष्ट नहीं देखा। रसायन विधान है ना, पिप्पली क्षय उपयुक्ता भवति। तो रसायन विधि से क्षय में पिप्पली उपयुक्त इस प्रकार के है। प्लेहोदरे उदरे च पिप्पली अग्निम दीपयति तथा स्रोत विवर्तनस्य नाशय। तो प्लीह रोग और उदर इसमें अग्नि का प्रदीपन करते हैं और स्रोत विबंध का नाश करती है। रसाश्रित दोषाणाम पाचनेन रसादि धातु बलवर्धनेन च प्लीहोदरम उदरं च पिप्पली नाशयति। तो रसाश्रित दोषों का पाचन और रसादि धातु बलवर्धन इससे प्लीहोदर और उदर में पिप्पली नाश करती है। तो भाई यहाँ शोणितम व रसादिभ्य विवृद्धंतम विवर्धेत, ये प्लीहोदर में संप्राप्ति में श्लोक आता है। और चक्रमणि दत्त स्पष्ट करते हैं कि रस आदि से रक्तादि भी धातु इसमें शामिल हो सकते हैं और इससे प्लीहा बढ़ती है। तो ऐसे हालात में कुछ मरीजों में अग्निकर्म किया जाता है और उससे अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। देहातों में ये काफी प्रचलन में है। तो कोल्हटकर सर का कहना था कि अग्निकर्म ये मांस की क्रिया है। मांस जानान तो शस्त्रक्षार अग्निकर्म भी इस प्रकार से। तो मांस धातु का अगर इस प्रकार का बीमार गमन होता है और फिर प्लीहा बढ़ जाती है तो उसमें अग्निकर्म प्रशस्त है। लेकिन रक्त से अगर ये बढ़ती है तो प्लीहामय पिप्पली इसके जरिए ये पिप्पली का कार्य अच्छा होता है। इसमें मेदसि स्वपनम कट्या प्लिन्नो वृद्धि कृशांगता। मेद क्षीण होने पर स्वपनम कट्या प्लीहा वृद्धि और कृशांगता ये लक्षण दिखाई देते। तो मेद क्षय होने से प्लीहा वृद्धि क्यों होती है, ये सवाल बहुत बुद्ध वैद्यों को मैंने भी पूछा, लोग पूछते भी रहते हैं इस प्रकार से। तो एक अजीब जवाब मिला कि उदरस्थ मेद संचित जो है वो कम होने से प्लीहा पाल्पेबल हो जाती है, तो वास्तविक वृद्धि नहीं है, जो प्लीहा है वही लग रही है। लेकिन ये तो सही नहीं लगता क्योंकि प्लीहा वृद्धि इस प्रकार का बताया गया है। तो प्लीहा क्यों बढ़ती है ये मेद क्षय होने पर इस प्रकार से। फणसळकर का एक अलग सवाल जवाब इस प्रकार का था। मेद का मुख्य कार्य स्नेहन है और प्रत्येक धातुर बलवर्ण युक्त स्नेहोपसेवी पुरुष प्रतिष्ठा। स्नेह सेवन करने वाला जो पुरुष है वो प्रत्येक धातुर बलवर्ण युक्त इस प्रकार का हो जाता है ऐसा कहना। तो धातु का अग्र ये कहा करते थे कि एक धातु से दूसरे धातु में परिवर्तन जब होता है तो धात्वग्र ऐसा उसको कह सकते हैं। और इस हालत में मेद का जो कार्य है स्नेहन का वो महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहता है। इसलिए उनका कहना था कि ये जो सभी वसंत कल्पना ये जिसमें नवनीत या मक्खन की भावना यह है, लघुमालिनी हो, मधुमालिनी हो, सुवर्ण मालिनी हो या बृहत सुवर्ण मालिनी इस प्रकार की हो, तो
इनका अगर भलीभांति प्रयोग होता रहता है, तो सोर का कहना ऐसा था कि ये लवण की भावना होने या सॉरी नवनीत की भावना होने के कारण मेदो धातु पर काम करती है। नवनीत मेदो से बताया गया है, जो नवनीत है वो मेद को बढ़ाने वाला, इस प्रकार का बताया गया है। रसरक तक तक अगर काम करना है तो लघुमालिनी मौसम मेद या अस्थि मज्जा, यहाँ तक काम करना है तो मधुमालिनी, और शुक्र पर या ओज पर काम करना है तो स्वर्णमालिनी वसंत, ये इस प्रकार का प्रचलन था। वैसे गर्भिणियों में भी पहले 3 महीने में लघुमालिनी, आगे के 3 महीने में मधुमालिनी और अंत में स्वर्णमालिनी, इस प्रकार का प्रयोग काफी लोग करते हैं। और मधुमालिनी वसंत में आमगर्भ का प्रयोग है, अंडे का प्रयोग है। तो गर्भिणी अवस्था में वो भी अच्छा इस प्रकार का काम करता है। मेदस्य स्नेहम तेरा स्नायु रिलेशनशिप, या मेदस्य स्नेहम आदाय तेरा स्नायुत्म आपनुयात, चिराणंत मृदु पाखा, इस प्रकार से बताते हैं। तो मेद का स्नेह लेकर सिरा स्नायु में परिवर्तित इस प्रकार की हो जाती है। और उस दृष्टि से ये वसंत कल्पना का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। स्नायु सिरा कंडरा इनके बारे में जब विकार होते हैं तो वो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो उसमें पिपली का प्रयोग या फिर एक वसंत कल्पना का प्रयोग ये करना उचित इस प्रकार का होगा। फणसरकर सर एक कहा करते थे कि स्रोतस के जो दो मूल स्थान बताते हैं, यकृत मूलम प्लीहाच, रक्त व स्रोतस का मूल स्थान, तो एक उत्पत्ति का स्थान है और एक उसके विनियोग का कार्य स्थान है। एलोपैथी में उसकी पुष्टि होती है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी सेल्स ये प्लीहा में होता है और निर्माण जो है वो यकृत में इस प्रकार के होता है। तो इस दृष्टि से प्लीहोदर में या प्लीहा वृद्धि में इसका एक अहम रोल, पिपली का एक अहम रोल रहेगा। वैसे शरपुंखा भी प्लीहो शत्रु वगैरह के नाम से बताई जाती है और वो भी प्लीहा के लिए अच्छी दवा है। लेकिन रसायन वाजीकरण ये गुणधर्म पिपली में है। और प्रत्येक धातु बलवर्ण युक्त ये करने की क्षमता उसमें है। अब वसंत कल्पना में मरीच का प्रयोग है, प्रमाथी होने के कारण स्रोतोरोग दूर करने के लिए मरीच का प्रयोग इस प्रकार का होता है। तो कलखाप्री और मरीच ये बेस, और फिर लघुमालिनी मधुमालिनी स्वर्णमालिनी ये इस प्रकार का, नवनीत और नींबू रस की भावना, ये वसंत कल्पना की खासियत है। अब उसी के दृष्टि से शायद हम पिप्पली को इस प्रकार की भावनाएं देकर, खास करके प्लीहा वृद्धि अगर है तो उसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं। रसायन विधि जब चाहिए तो ये पिपली का प्रयोग हो सकता है। प्रेगनेंसी में 3 मंथ लघुमालिनी, नेक्स्ट 3 मंथ मधुमालिनी, 10 मंथ स्वर्णमालिनी, अब विचार कैसा करें। ये ट्रेडिशन से प्रचलित है। एक ऐसा थोड़ा सा मानना है कि वैसे सभी धातुओं का निर्माण एक साथ ही हो रहा है। गर्भावक्रांति में जो भी वर्णन इस प्रकार का आ रहा है उसमें वायु स्रोतांसि धारयेत वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात कही गई है। और जो आहार रस गर्भिणी से प्राप्त हो रहा है उसके ऊपर ये नाभि स्थित इस प्रकार का जो सिरा जालक है वहां पचन की प्रक्रिया हो रही है और पूरे शरीर में ये आहार रस पहुंचा जा रहा है और उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है इस प्रकार से।
सवर्ण कल्प से मोशन ज्यादा हो तो कैसे देख, ऐसा तो नहीं देखा क्यों तो मोशन ज्यादा हो गई थी मात्रा कितनी देनी है ये थोड़ा सा डिसाइड करो, और कौन सा स्वर्ण कल्प दिया था ये भी देखो। अण्वस्तिष्व सरक्तम मेद, इसका कोई संबंध होगा क्या? हो सकता। अभी जो एरिथ्रोपोएटिन की इंजेक्शन दी जाती है खास करके किडनी फेल्योर में, और उसमें हीमोग्लोबिन बढ़ने की आशंका ज्यादा अच्छा अच्छी इस प्रकार की रही। स्थूलास्तिष्व विशेषेण मज्जा अण्वस्तिष्व सरक्तम मेद उच्यते, इस प्रकार का वहां पे वर्णन है। तो शायद जो रक्त का निर्माण रक्त पोषक अंश से रक्त धात्वग्नि की क्रिया के द्वारा यकृत प्रिया में इस प्रकार का होता है, खास करके यकृत में होता है। आगे चलकर माउस में रक्त का संबंध ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन मेद से संबंध बताया गया। रक्तपित्त प्रसादात वृक्कौ, इस प्रकार नहीं, मेदक प्रसादात वृक्कौ, इस प्रकार का है। और वृषण भी है, वो भी याद नहीं आ रहा अभी लेकिन उसमें चार घटक है इस प्रकार से। तो ये रक्त का कार्य आगे चलता इस प्रकार का रहता है। और फिर इन सभी में मेद और रक्त दोनों का कार्य दिखाई देता है इस प्रकार से। सुश्रुत घेतल्यावर लूज मोशन, नाही सुवर्ण सूचक घेतल्यावर पोटात खड्डा पडला अशी फिलिंग काही पेशंट सांगतात, ते कळलं नाही लेकिन देखा तो मैंने, तो मेरा अनुभव नहीं है इस प्रकार का। शायद पित्त अति उद्रिक्त इस प्रकार का है, और खुद बाहर निकलने की शमन होने पर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ये भी मांसासिक मेद प्रसादात वृषण। ये तो इनको हम भली भांति इस प्रकार से देख सकते हैं, खास करके ल्यूकेमिया के पेशेंट है। कुछ लोगों में ये प्लीहा वृद्धि पाई जाती है। रक्त के संबंध में जितने भी विकार है इसमें काफी रोगों की खासियत अलग अलग या उनका स्वरूप अलग अलग इस प्रकार का है। तो ऐसे हालत में दवाइयों का जो प्रयोग करना है वो बहुत सोच समझ कर करना है। तो पांडु रोग ये एक पांडुत्व सीकेड़े में दिखता ही है, और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है वगैरह भी बातें दिखती है। तो पांडु रोग की दवाइयां देना है ये एक बात रहेगी। पांडु रोग पिबे सर पे आदो कल्याण का अभ्यम, इस प्रकार का घृतमान वगैरह कुछ करना है ये भी है। और मांस से जुड़ा है तो कौष्ठकादि शिला जिसका मैंने बताया था। मेद से अगर जुड़ा है वही मेद जब अस्थिगत हो जाता है तो उसको मज्जा कहते हैं, ये थोड़ा अजीब रेफरेंस है। शरद ग्रहणी चिकित्सा में धातुओं के बारे में बताया है कि अग्निवेश ने शंका पूछी है कि ये रसा से विषदृश रक्त कैसे हो जाता है, फिर उसे मांस कैसे हो जाता है वगैरह वगैरह प्रकार। तो अगर फिर घेऊ और दूध के साथ दे सकते क्या? समझा नहीं। तीव्र प्रेणी दौर्बल्य असेल तर कोणतेही वीर्यमान औषध दिले तर उदरशूल द्रववेग पोटात खड्डा पडणे ये लक्षण दिखते हैं, शतावरी गुरुत्व दे सकते हैं। ये भूनिम्बादि चूर्ण ग्रहणी अधिकार में आया है पीतज ग्रहणी ने, वो भी अच्छी तरीके से काम करता है।
अगर कफ प्राधान्य इस प्रकार का है तो नागरादि चूर्ण प्रशस्त है, नहीं तो ये पित्तज ग्रहणी में भूनिम्बादि चूर्ण अच्छा इस प्रकार का काम करता है। तो कहने का तात्पर्य थे, मैं बता रहा था कि सरक्त मेद, यहाँ पे मेद आ गया, मेद और रक्त ये कॉम्बिनेशन आ गया, वही जब अस्थि में प्रविष्ट हो जाता है तो उसको मज्जा कहते हैं इस प्रकार। अब ये बोन मैरो डिसऑर्डर्स, ल्यूकेमिया वगैरह जो है वो बोन मैरो डिसऑर्डर्स इस प्रकार से बताते हैं। मैं नली सूप लेने के लिए कहता हूँ कि जिसके जरिए ये मज्जा उसमें से मिल सकती है छोटा। तो रक्त के ही विभिन्न इस प्रकार के रूप है, एक तो यकृत प्लीहा प्रभव इस प्रकार का जो बताया जाता है, वो रक्त पोषक अंश पर रक्त धात्वग्नि की क्रिया होकर निर्माण होता है। आगे मेद और रक्त इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है ना, और वही मेद रक्त कॉम्बिनेशन मज्जा में चला जाता है तो मज्जा हो जाती है उसकी इस प्रकार। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रक्त पाचक या रक्तवर्धक इन प्रकार के औषधियों का प्रयोग सभी में करना उचित इस प्रकार का रहेगा। ल्यूकेमिया में रक्त पित्त होने की संभावना ज्यादा रहती है, बहुत सारे मरीज ल्यूकेमिया के रक्त पित्त होकर चल बसते। मैंने एक 18 बरस का लड़का देखा था, उसको केमोथेरेपी से शुरू में लाभ हुआ, डिसीज फ्री स्टेट में मेरे पास आया, मैंने परहेज वगैरह बताया था, औषधियां दी थी, लेकिन उसने क्योंकि उसको कुछ तकलीफ तकलीफ नहीं हो रही थी तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, परहेज भी नहीं रखा, दवाइयां भी ठीक से नहीं ली, और 6 महीने के बाद रिलैप्स हो गया। तो वो रक्त पित्त के जैसा रिलैप्स था, तो नाक से, मुंह से, कान से, आंखों से और नीचे गुदद्वार और मेढर से सभी जगह से रक्तस्राव हो रहा है। 18 बरस का लड़का, इसको भारतीय विद्यापीठ में उसको एडमिट किया, 3-4 दिन रहा, फिर उसकी मौत हो गई। तो ये असाध्य ही बताया गया है, उभयानुग इस प्रकार का रक्तपित्त जो है असाध्य ही बताया गया है। तो ल्यूकेमियाज में प्रयोग करते समय ब्लास्ट सेल्स कितने हैं ये देखना बहुत जरूरी है। मैंने जो मरीज ट्रीट किए हैं वो सभी 90 से ऊपर ब्लास्ट सेल इसी प्रकार के, तो ये काफी खतरनाक मामला है। ब्लास्टिक क्राइसिस जब भी हो जाता है 1-2 दिन में मौत हो जाती है, तो ये पेशेंट को बता के रखना पड़ता है कि ऐसी स्थिति हो सकती है, अचानक पेशेंट सीरियस टर्न ले लेगा, तो को पता होना चाहिए इस प्रकार से। तो इसमें फिर उष्ण औषधियों का प्रयोग नहीं हो सकता, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और जो भी दवाइयाँ देनी है वो सोच समझ कर देनी है। दूसरे ITP वाले पेशेंट मिलते हैं, इसमें प्लेटलेट काउंट काफी कम होता है और फिर ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है दंतवेष्टक से, या कहीं भी चोट लगी तो सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग इस प्रकार का होता है। तो ऐसे हालात में ये ITP की चिकित्सा हम रक्त पित्त जैसे करें वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का होता है, वो अच्छे सुधरते हैं। मैंने महिला पहला मरीज जो देखा था रूबी हॉल में एडमिट था, और काफी बार प्लेटलेट दे चुके थे, सुधरने था, प्लीहा वृद्धि भी थी, उसको डिस्चार्ज लेने के लिए कहा और फिर हमारी जो दवाइयाँ शुरू की, मुख्य द्रव्य जो है वासा और दूर्वा ये प्रमुख द्रव्य रहे। धीरे धीरे उसका प्लेटलेट काउंट बढ़ता गया, प्लीहा वृद्धि भी कम हो गई और ठीक हो गया। फिर उसका रेफरेंस लेकर दूसरी ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ये ITP का लॉन्ग फॉर्म है। तो दूसरा मरीज जब आया उसका रेफरेंस लेके आया, तो उसमें प्लीहा वृद्धि थी, उसको स्टेरॉइड चल रही थी, तो दवाइयाँ शुरू की, उसको भी अच्छा रिजल्ट आया, स्टेरॉइड कम करके बंद कर दी। तो उसने कहा कि आप वेबसाइट में
क्यों नहीं आप बताते, या इंटरनेट में आप क्यों डिक्लेयर नहीं करते। तो मैंने कहा एक दो केसेस पर क्या बोलना है। तो बोले नहीं, आईटीपी अलग साइट है और केवल अमेरिका में उसके 1 लाख मरीज है, और जिनके लिए कोई चारा नहीं है, एलोपैथी में उपचार ही नहीं है इस प्रकार से। तो मैंने वो जाकर वेबसाइट देखी वास्तव में आईटीपी की, तो सच्ची बात है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, ये बड़ी बीमारी है, इडियोपैथिक होने के कारण कोई कारण नहीं है, ऐसा ही एलोपैथी मानती है। और फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहना, इतना ही काम होता रहता है। एस्पिरिन इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ये है अप्लास्टिक एनीमिया, इस प्रकार के मरीज होते हैं, ये भी काफी खतरनाक इस प्रकार की बीमारी है। हिमोलिटिक एनीमिया, ये भी देखे जाते हैं, ये भी काफी खतरनाक इस प्रकार के हैं। तो मेरे पास ये सभी मरीज आए हैं, जो मैं क्या, तो होते ही रहते हैं, आईटीपी के भी काफी मरीज हो गए हैं। हिमोलिटिक एनीमिया या फिर अप्लास्टिक एनीमिया, इसके भी मरीज हुए हैं। हर जगह मैंने आयुर्वेद की दृष्टि से सोचा है क्या दे सकते हैं वगैरह, इस प्रकार से चिकित्सा की है, सभी ठीक हुए हैं ऐसा नहीं, लेकिन काफी लोगों को काफी अच्छे तरह के रिजल्ट्स मिले हैं। ये ल्यूकेमिया के मरते हैं, वो ज्यादा सक्सेस उसमें नहीं है। फिर भी नानल सर ने आक्टे सर को ट्रीट किया था ल्यूकोमिया के लिए, और अस्थि मज्जा का तो बात, ऐसा कुछ उन्होंने निदान किया था। एक्यूट कंडीशन से तो बच गए और आगे 7 वर्ष तक जिंदा रहे। लेकिन काफी अलग अलग दवाइयां नानल सर ने उनको दी थी। आईटीपी को रक्तपित्त की तरह समझना चाहिए, हाँ रक्तपित्त की तरह समझना चाहिए। और फिर कारणों को देखो, कटु रसात्मक सेवन वगैरह ज्यादा दिखाई देता है, तो कारणों को टालना और फिर योग्य चिकित्सा करना। स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट जैसे कि एक्सेस फैट डिपोजिशन और बॉडी कॉजिंग जनरलाइज एक्जिमा में क्या रखते हैं। पहले तो संक्षेपित क्रिया योग निदान परिवर्तन, हम तो स्टीरॉइड्स का डोज कम कैसे करेंगे और स्टीरॉइड से मुक्त कैसे करेंगे, ये सबसे अहम मुद्दा है। अभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से काफी मरीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से लेकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तमक श्वास वगैरह वगैरह, जो स्टीरॉइड डिपेंडेंट है। तो उसमें पहले सबसे अहम कार्य होता है कि धीरे धीरे स्टीरॉइड्स को कम करें। अभी मैं अल्टरनेट डे हाफ डोज कहता हूँ, तो धीरे धीरे कम होता है इस प्रकार से। 1 महीने तक वही सिलसिला चलाना, फिर आधा डोज प्रतिदिन करना, फिर उससे भी आधा डोज एक दिन और एक दिन वो आधा डोज, इस प्रकार से। इस प्रकार से क्रमशः अगर स्टेरॉइड्स को कम करते हैं तो शायद बात बनती है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स काफी है, और काफी में स्टेरॉइड्स का प्रचलन वैसे ही चलता रहता है, हमारे पास जब तक नहीं आते तब तक ये प्रचलन चलता ही रहता है। तो ऑटोइम्यून हिपेटाइटिस भी देखा जाता है, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस वगैरह वगैरह। काफी मरीज ऐसे हैं कि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से जुड़े हैं, स्टीरॉयड डिपेंडेंट होते हैं, और फिर आईटीपी लॉन्ग फॉर्म नवीन सांगा, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ये आईटीपी का लॉन्ग फॉर्म है। आपको मिल जाएगा आसानी से, गूगल में विकिपीडिया सर्च करोगे तो आईटीपी के बारे में काफी जानकारी सामने आ जाती है। तो इन सभी को भली भांति देखना इस प्रकार का जरूरी होगा। तो ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह शल्य तंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतो यन निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन आयुर्वेदस्य वांछन पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठान श्रेष्ठं धन्वंतरिंतम् प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं।
विरम में थे। ओम शांति शांति शांति। विरम में थे व्याख्यान व्यापारा श्वाहा चंद्र की श्याम।